रहीम वाइज देखें, आपको नज़र आ रहा है कि इस कंटेनर को हमने यहाँ पे जो ना हीट दे रहे हैं हम हीट एनर्जी, फिर यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसको एनर्जी मिलती है और वो सीधा जाते हैं ऊपर टॉप पर। ग्रेजुअली ग्रेजुअली इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है यूजिंग दिस थर्मोमीटर। आप लोग मुझे बताएं कि इसकी टेम्परेचर कितनी है। 40 से ऊपर जा रही है और 50 पे पहुँच गई और 55 पे पहुंचने वाली है। वो भी 55 पे कहाँ पर है? 55 से ऊपर 58 तकरीबन ऑलमोस्ट 60 होगी। 60 होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को तो इस बात का इलम है कि ऊपर जो है ना मॉलिक्यूल्स है उनका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, यानी यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये दो टर्मिनल जो है ये इस वाटर में रखेंगे और हम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है ना हो सकता है या नहीं, ये ट्राई करेंगे, ठीक है। एक अपॉन नीचे का नज़र आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन शो रही है, ठीक है। देखिए, मैं रिमूव करता हूँ तो आपको ये फील होता है। कहने का ये मतलब है कि बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस आपको यहाँ पर इनकी पोटेंशियल डिफरेंस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं टर्मिनल चेंज करता हूँ, दूसरे साइड पर होगा, नज़र आ रहे हैं डिफ्लेक्शन है। ये डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर क्या है, कुछ जो है ना इसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। रिफ्लेक्शन शो हो रही है, यस सर, यस सर। फिर देखें, ठीक हो गया, यस। ये हमारा आज का था। अब अगर इसके लेवल के मुताबिक हम जो है ना बहुत पानी यूज़ करें, बड़ा सा टैंक यूज़ करें, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा डिफरेंस होगा। तो आसानी के लिए इस तरह करें, बस घर में 2-3 टैंक रखें और अच्छा खासा उसको टेम्परेचर दे और वैसे भी बिजली प्रोड्यूस करें, रिड्यूस करें, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, तो हमारी बोर्डिंग का भी फायदा हो जाएगा और पानी बढ़ेगी, पानी का। थैंक यू सो मच।